वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके जो आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। प्रिंसिपल वर्ड को जिस अध्याय के अंतर्गत सीखा जाता है उसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। क्या नाम है? टाइम एंड डिस्टेंस। हमारा टॉपिक का क्या नाम होगा? टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए हेडिंग, टाइम एंड डिस्टेंस। लिख लिया? अब समझना ठीक से, कुछ स्टिक पॉइंट आ रहा है और यही सब कुछ है। बढ़िया समझो, बचपन से अब तक हमारे ट्रांसलेशन में भी उसको पढ़ाया गया टेंस और आज हो गया टाइम एंड टेंस। कारण, कारण समझो, अब तक तुम लोग टेंस को हिंदी के सहायता से पहचान रहे और तुम्हारे गुरु बोल लोग हम भी अपने किताब के माध्यम से बतलाया था ऐसे। तो जिस वाक्य में ताहे तीहे नेहे लगा रहेगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसे बने। जिस वाक्य में रहा है रही है लगा रहेगा उसे पास्ट टेंस कहेंगे, ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार से 12 प्रकार से पहचान बताए, 12 प्रकार तरीका बताए, तुमने बनाया मेरा काम समाप्त। लेकिन तुम अब तक हिंदी के द्वारा पहचान ऐसा रहेगा तो फलना बोलेंगे सर, ऐसा रहेगा तो फलना बोलेंगे। लेकिन अब जो है उनको बीमारी होने वाला है वह जो अंग्रेजों को भी है। क्या तुम्हारे अंग्रेजी के एग्जाम में एक भी अक्षर हिंदी का नहीं रहेगा? रहेगा। और अंग्रेजों के पास भी नहीं है हिंदी, तब तो इसका मतलब टेंस नहीं पहचान पाता होगा, गलती करता होगा, नहीं थोड़ा सा कम में गलती करता होगा, हिंदी नहीं है उसके पास, तो वो कहां से खोजेगा? ताहे किए लगा रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेगा ताहे किए है उसके पास, अब थोड़ा पास भी नहीं होने वाला है अब तक का, लेकिन एग्जाम में नहीं रहेगा ताहे किए रहेगा नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? तब वही दवाई खाएंगे जो उन लोग खाता है। उन लोग टेंस को पहचानने के लिए निर्भर करता है टाइम से। किस पे? टाइम पे। तो टाइम का सहारा लेता है किसे पहचानने के लिए? टेंस के लिए। लेकिन दोनों में हिंदी वालों के लिए भी और अंग्रेजी वालों के लिए भी कॉमन बात है कि दोनों का दोनों टेंस के अंतर्गत सीखता है प्रिंसिपल वर्ब। इसके अंतर्गत सीखता है प्रिंसिपल वर्ब, किसके द्वारा सीखा जाता है? इसके अंतर्गत अपने मर जाएगा, तो दुनू में धुरा रह गया तो दुनू में खतरा है, तो हम क्या करेंगे?
मध्यम मार्ग अपनाएंगे। इतिहास से सीखे हैं गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध क्या है, न ज्यादा दुख न ज्यादा सुख, मध्यम मार्ग में चलो, कभी दिक्कत नहीं। और मध्यम मार्ग का नाम तुम लोग अपना, हिंदी वाला भी अंग्रेजी वाला भी, ताकि तुमको दिक्कत नहीं। तो पहले हिंदी के माध्यम से समझा दे रहे हैं पहचान, क्या पहचान है फिर बतलाएंगे उपयोगिता। तो बारों का पहचान, अब बारों को उपयोगिता बतला दिया जाए तब कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे किसको, क्रिस्टल भस्कर, किसको, क्रिस्टल, किसके अंतर्गत, किसके मार्गदर्शन में। अब वो सिद्धांत हम अपना बनाए हैं लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप बनाएंगे टाइम के मार्गदर्शन में, टेंस के अनुसार, प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग ही टाइम एंड टेंस है। आज समझ में आया, आज समझ में आया ना रहस्य, और सीधा ताहे तीर लगा रहेगा तो फल्ला टेंस बोलेगा, फ्लॉप कर जाए, ऐसे फ्लॉप करेगा, हम करवाएंगे आज। पहले इतना बात समझ में आ गया, तो ऑलरेडी टाइम एंड टेंस दिया था, सिद्धांत लिख लो, हमारे साथ परिवार में लिखो। टाइम के मार्गदर्शन में, टाइम के मार्गदर्शन में टेंस के अनुसार प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग ही टाइम एंड टेंस है, टाइम एंड टेंस है। हो गया, अब देखो माता पिता में अगर बोला जाएगा हिंदू धर्म को चुनने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हिंदू धर्म बोलेगा माता, ठीक है। माता का अंग्रेजी, माता का उर्दू होता है माँ, ठीक है। तो अगर हिंदू धर्म में माता का प्राथमिकता है तो उर्दू में क्या हो जाएगा, बाबूजी, तो क्या होगा, माँ, समझना रहेगा माँ। तो इसका मतलब है जो हिंदी में प्राथमिकता है वही उर्दू में प्राथमिकता है, वही अंग्रेजी में प्राथमिकता है, बस नाम बदला है, मीनिंग बदला है। माँ, मेरे यहाँ माँ, तुम्हारे यहाँ माता जी, अंग्रेजी में मदर। तो ऐसा थोड़ा है कि तुम्हारे यहाँ माँ इंपॉर्टेंस क्या, फादर हो जाएगा और फिर सरदार जी के हाथ ही, ऐसा नहीं होगा, सब वही रहेगा, उसी का मतलब निकलना चाहिए। तो अब अंग्रेजी तुम टेंस सीखे थे उसमें प्रथम कौन था, प्रेजेंट इंडिविजुअल, कौन था, तो यहाँ क्या होगा, पास्ट, नहीं प्रेजेंट होगा, नाम बदलता है, क्या नाम होगा अब हमारा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, हेडिंग, हेडिंग का मतलब बीच में, प्रेजेंट इंडिफिनिट लिख दिया। अब देखो अपना बच क्या नाम, हमने बोला गलती पढ़े हो लेकिन कम पढ़ के आए, क्या पढ़ो, देखो क्या पढ़ के आए हो, खुद देख लो क्या गलती की होगी। उनको बचपन से पढ़ाया गया, हमेशा पढ़ाया गया कि जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है लगा रहे हैं उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट कहेंगे, यही पढ़ाया गया ना, गलती पढ़ाया गया। नमूना के रूप में देख लो, यहाँ नाती है, क्या लगा हुआ ती है, या पोता है, क्या लगा हुआ है, और यह जूता है, क्या लगा हुआ है, और कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं, तीनों में से कोई नहीं। तो बोलता हूँ बड़ी पढ़े हैं, मोटा मोटा किताब पढ़ करके आए, समझ में आया कितना पढ़ के आए हो तुम, है क्या तुम लोग ऊंट को, और ऊंट को सबसे ऊंचा लग जाता है कब तक, जब तो पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता, ठीक है। तो अब थोड़ा बड़ा हो जा, गलत नहीं किया, बचपन में नंगे पर चलना गलत नहीं था, अब नंगे पर चलना गलत हो जाएगा। बचपन में हाफ पर चले जाते थे, अभी भी हाफ पर जाने में घूमते हो, यहाँ व्यवहार करते, डिपेंड करता है किस अवस्था में गुजरता है। तो अब थोड़ा बड़े होंगे हम लोग और ये बोलेंगे ताहेती मन में करें, ताहेती रहेगा वाक्य, लेकिन वो ताहेती है क्रिया के अंदर में होना चाहिए। जूता नाउन है, पोता नाउन है, नाती नाउन है, क्रिया में चाहिए, क्या है, हम डील कर रहे हैं क्रिया, तो डील कर रहे अंग्रेजी पढ़ा रहे हिसाब, हम डील कर रहे प्रिंसिपल वर्ड को ना, तो अब चाहिए, अभी भी संदेह, घर बोलेंगे तो गलती हो सकता है अभी भी। नमूना ग्रुप में चीटियां मेहनती होती है, लड़के आलसी होते हैं, टीचर मेहमान होता है, तो इस बार वाक्य में भी ताहे दिए है और क्रिया में भी है, कहियो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, अभी थोड़ा रह गया, और क्या वाक्य, अब और थोड़ा बड़ा बनाएंगे,
अभी मैट्रिक से पहुंचे, आप आ रहे हो कॉलेज में, वाकई में चाहे ये चाहिए, ठीक है, वो चाहे तो ये क्रिया में चाहिए, और वो क्रिया मुख्य क्रिया चाहिए ना, तो होता है तो सहायक क्रिया है, याद आया, ये सबसे होने का पता चल, नहीं है चलने का पता चलना चाहिए, जैसे वाक्य में चाहे की है होता है ये क्रिया में, और वो क्रिया मुख्य क्रिया होगा, तब कह सकते हो कहबे करेंगे ना चलेगा, तब कह सकते हो कि प्रेजेंट डिफिनेटिव, जैसे मैं पढ़ाता हूं वाक्य में चाहे की है होता है कि ये क्रिया में, और पढ़ाना कोई सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया है, मैं डील कर रहा मुख्य क्रिया को, तब कहा जा सकता है कि प्रेजेंट डिफिनेटिव, तो बस कहना छोड़ दो कि चाहे की रहेगा, नहीं चाहे की होना चाहिए हमको, क्रिया भी चाहिए, और क्रिया के अलावा क्रिया भी फरमाइशी मुख्य क्रिया चाहिए, तब होगा प्रेजेंट, पहचान लोगे, अब बनाने का तरीका बता दे, सबसे पहला रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे ज्यादा गलती होता है, कसम खा लो सहायक क्रिया नहीं लगा, बोलो सहायक क्रिया नहीं, 24 में से कोई सहायक क्रिया नहीं आना चाहिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया का असली रूप, ये मुख्य क्रिया भी 5 रूप में मिलेगा, असली रूप लगाना, ओरिजिनल लगा दिया ओरिजिनल रूप, अब आगे सोचना है क्योंकि होता क्या है लोग पहले सोचना शुरू कर देता है, नहीं पहले सब्जेक्ट बता दिया है, वर्ब लिख दिया, तब सोचेंगे क्योंकि वर्ब में कभी SEIDS लगेगा या कभी नहीं लगेगा, तो कब लगेगा कब नहीं लगेगा वर्ब लिखने के बाद सोचेंगे, एडवांसर में नहीं सोचेंगे, तो वर्ब लिख लिया अब सोचेंगे SS लगेगा कि नहीं लगेगा, बीमारी कठिन है तो मतलब 3 दवाई, कोई ना कोई दवाई पहला कर्म करे, पहला दवाई जो हमको दिया गया क्या कहा गया था, हमको कहा गया था पढ़ा चुके तुमको थोड़ा सा याद आ जाएगा, हम जो पढ़ाए उसको तुम पहले बता दे, अलग सा दवाई देना है, हमको कहा गया कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ज्यादा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन हो सिंगुलर हो प्लुरल हो कोनो बात नहीं, फर्स्ट पर्सन होगा तो क्रिया में कुछ होना लगे, सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन होगा सिंगुलर प्लुरल से कोनो मतलब नहीं, खाली सेकंड पर्सन होना चाहिए क्रिया में कुछ होने लगे, थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर होगा तो भी कुछ होने नहीं लगे, लगेगा कब जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, तब थर्ड पर्सन क्या है सिंगुलर क्या है प्लुरल क्या है निपटा दी, तो बोलोगे लॉकडाउन में ना आ रहे थे लॉकडाउन से पहले निपटा है, बहानाबाजी में तो नहीं चलेगा अपना फर्ज, ठीक है, तो ये हमको पढ़ाया गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हालांकि पढ़ने वाले को कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है हल्का करना हल्का कर दे रहे, अगर ये समझ में नहीं आया तो 10 चीज याद रखो, क्या अगर सब्जेक्ट अरे बगल वो हमको देखो, अगर सब्जेक्ट हो आई बी यू क्या बोले पहले हम दे और एक से अभी एक से टोटल कितना हुआ तो क्रिया में कुछ मत लगा, क्रिया में कुछ मत लगा, अब बाकी बचा 5, अगर सब्जेक्ट तो ही एक वस्तु एक व्यक्ति तो क्रिया में एस या क्लियर, अब उसे भी हल्का दवाई दे दे रहे जो एक सप्ताह पहले पिला दिए हैं, दूसरा डोज दे रहेगा पहला डोज दे दिया है, क्या नीड को याद करो, याद आ गया yes, जो ट्रीटमेंट तुमने नीड के साथ किया था वो सारे प्रिंसिपल वर्ग के साथ किया जाए, सारे टोटल के साथ, जो व्यवहार हमारा नीड के साथ था वो सारे क्रियाओं के साथ होगा, याद करो बी में नीड एडजस्ट कर गया था कि विदुंडु पुनर दे नीड बॉयज नीड गर्ल्स नीड, याद आया yes. लेकिन द गर्ल Yes. The boy, yes. Ram, yes. The teacher, yes. अब नीट के बाद दूसरा भर सकते हैं eat, they eat, boys eat, girls eat, परंतु the girl, yes. The boy, yes. The teacher, yes. Clear? तेरे मुझे कोई ज़्यादा फायदा किया कि नहीं? ठीक yes, है? अब एक बार और रह गया है उसको भी फायदा करवा दे रहे हैं। अब तुमको ये समझ में आ गया कि कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, लेकिन एक दिक्कत और रह गया कि अगर लगेगा तो एस कब लगेगा ईएस कब लगेगा, तो इसका तो डोज हम लॉकडाउन से पहले दे दिया सोना yes, आमतौर पर एस लगेगा, लेकिन अगर अंत में सी एच हो एस हो डबल एस हो एस हो एच हो या जेड हो वो ईएस लगेगा, ठीक है, हम कोविड से पहले दे दिया था सोना का टीका कहा लगेगा ये समझ में आ गया होगा, जीवन लगा देना है उसके बाद सोचना कि ये लगाना कि नहीं लगाना है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा लिखेगा नहीं तो छोड़ के फुल स्टॉप कर देंगे, क्लियर,
क्या लिखा था? प्रश्न भी लिखा था। यस सर। अब प्रश्न भी नीचे लिखो ये फार्मूला एस प्लस बी वन बी के ऊपर वन ऑब्लिक एस ऑब्लिक ई एस प्लस ओ ऑब्लिक का मतलब समझ आ रहा है ना प्लस ओ बोली स्टॉप। अब बाएं साइड पे हिंदी लिखो बाएं साइड से एक लाइन में एक हिंदी मैं अंग्रेजी सीखता हूं उसके नीचे तुम हिंदी जानते हो तीसरा हम लोग पतंग उड़ाते हैं उसके नीचे लड़का क्रिकेट खेलता है उसके नीचे माता चाय बनाती है उसके नीचे वे लोग सड़क जाम करते हैं सबके सामने अंग्रेजी बना दो गया। I learn English, you know Hindi, we fly a kite, the boy plays cricket, mother prepares tea, they block the road. मेरी ओर देखो अगर इन्हीं वाक्यों को प्रश्नात्मक में बदलना हो तो सबसे पहले डू या डज लिखें तू कब लिखेंगे डज कब लिखेंगे सिंटैक्स में पढ़ा दिए तो इसमें सहायता के लिए बोलते हैं कि डू क्रिया का मौलिक रूप है और ये मालूम हो कि क्रिया जन्म से पूर्वल है और याद करो सिंटैक्स पूर्वल सब्जेक्ट पूर्वल वर्ब डू को डज में परिवर्तित किया गया है जब क्रिया पूर्वल इसका मतलब सिंगुलर में परिवर्तित किया गया होगा तो याद करो जिस शब्द के अंत में ओ हो नाउन याद करो मैंगो जिस शब्द के अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो उसमें ईएस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है नाउन को प्लूरल बनाया जाता था तू में वही कार्यक्रम करेंगे लेकिन बनेगा सिंगुलर तो अब बता सो समझ के तू और दस में से सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन दस सिंगुलर है और दू असली कौन है नकली कौन असली और दस नकली है तो असली नकली से यहाँ मतलब नहीं यहाँ जैसा वैसा भेज देना है तो दू कहाँ कहाँ लगाओगे आई में क्या लगना चाहिए था लगता है कुछ लगना चाहिए था दस सिंगुलर पर लगाने का मन करेगा और अब फॉर्मूला पढ़ा है क्वेश्चन टाइप में क्या होप अगेंस्ट होप आशा के विपरीत आशा तो आशा क्या है डज विपरीत क्या हुआ सजल बनना है क्लियर सबसे पहले क्या लिखेंगे डू या डज ठीक है हम बोलेंगे श्री गणेश करेंगे सबसे पहले पापा जी सोचो उसके बाद बोलो सबसे पहले रहेगा डू या डज उसके बाद सब्जेक्ट ठीक है अब सब याद रखना पड़ेगा एक दूसरे मिलता जुलता रहेगा डू डज मॉडल वर्ब है डू डज क्या है मॉडल वर्ब और फॉर्मूला पढ़ा है
मॉडल वर्ब प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अदर वर्ब। अब अगला कोई वर्ब आने वाला होगा तो उसी रूप में रहेगा, तो कभी तीस देखो उम्मीद हो जाएगा। तो डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ईट की ईट्स, गो की गोज, डज में तो गोज हो जाएगा, डू में तो गो होगा ना, बट डज में गोज दोनों में गोज दोनों में गो रहे, ठीक है, केवल गो रहे, इतना हो सकता है, भी बन रहा है, कोई भी क्रिया भी बन हो सकता है, और लाक बनाएगा ऑब्जेक्ट रहेगा तो देना, और ऑब्जेक्ट के बाद रिटर्न नहीं करते, मार्क ऑफ इंटरव्यू, हेडिंग में, टू ऑब्लिक डज प्लस एस प्लस बी वन प्लस ओ प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ओके, जितना अंग्रेजी तुम लिखे हो ऊपर में, आई लर्न इंग्लिश वगैरह सबको बनाओ प्रश्नात्मक, अपने अंग्रेजी को बनाओ प्रश्नात्मक, हिंदी को बना ले, मिला। Do I learn English? Do you know Hindi? Do we fly a kite? Does the boy play cricket? Does mother prepare tea? Do they block the road? सही बना है? Yes sir। आगे सुनो, सुनो पहले उसका बना। यदि इन्हीं को नकारात्मक बनाना पड़े तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज। अब डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, इसका जवाब मिलेगा सिंटैक्स में, क्योंकि डू डज सहायक क्रिया है, तो डू कब लगेगा डज कब लगेगा समझ लेना, और अगर नहीं समझ में आए तो नीड को याद कर लो, क्लियर। उसके बाद क्योंकि डू डज लग चुका है कि आने वाला अन क्रिया जो रहेगा अपने मौलिक रूप में रहेगा, मूल रूप में रहेगा, लेकिन डू डज के तुरंत बाद नॉट आएगा, सबसे पहले क्या हो, सब्जेक्ट के बाद डू, जहां मन किया डू, जहां मन किया डज, नहीं उसके बाद नॉट, क्योंकि डू डज लग चुका है इसलिए क्रिया का मौलिक रूप असली रूप है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसका फॉर्मूला हेडिंग के रूप में एस प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ओ स्टॉप, जो तुमने ऊपर में बनाया था आई लर्न इंग्लिश उसको बनाना है नकारात्मक, पहला वाला अंग्रेजी आई लर्न इंग्लिश वाले एरिया,
डू नॉट लर्न इंग्लिश, यू डू नॉट नो हिंदी, वी डू नॉट फ्लाई ए काइट, द बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट, मदर डज नॉट प्रिपेयर टी, दे डू नॉट ब्लॉक द रोड। मेरी ओर देखो, अब तक तुमने चार बात लिखा है, एक हिंदी का, तीन अंग्रेजी का, सोच समझ के बोलो क्योंकि गलती बोलने वाले हो। फिर से बोल रहे, एक हिंदी का, तीन अंग्रेजी का, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन था? तीनों के चार जवाब गलत, तीन था प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इक्वल टू है, इंडेफिनिट नहीं। ठीक है, जैसे तुम लोग बोलते हो, हमारे घर में बोला जाता है, पिता ही गुरु है, गुरु ही पिता है। तो इसका मतलब नहीं कि गुरु ही पिता है, पिता ही गुरु है। इसका मतलब है गुरु पिता समान है, ना के पिता। समझ में आ गया? तो हिंदी जो है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के समान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। क्योंकि अगर एग्जाम में बोलेगा कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्रिया भरिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिया लगाइए, तो लगा दो खाता हूं, पीता है, नहीं, ड्रिंक लगेगा या ईट लगेगा या गो लगेगा, के लिए
इसी टेंस का प्रयोग होता है, इसी टेंस का प्रयोग होता है। SBIPO, whenever we have, whenever we have a puncture, whenever we have a puncture, oblique, she just sits in the car, she just sits in the car, oblique, and reads a book, oblique, while I changed the wheel, full stop, समझो, एक बेचारा पत्नी का मार खाए हुआ आदमी अपना कहानी बता रहा है, आदत है तारा कि जब भी गाड़ी हमारे गाड़ी में चक्का पंक्चर होता है वो गाड़ी में बैठक रहती है और किताब पढ़ती रहती है और हम बेचारा चक्का बदलते रहते हैं। तो बेचारा अपना आदत बता रहा है, इतना भार खराब है कि मेरा आदत ये बन गया है, उसका आदत ये बन गया, आदत दर्शा रहा है। आदत दर्शाने के लिए कौन सा टेंस होना चाहिए था भाई? क्या कहा मैं गड़बड़ है? चेंज में क्या लगा दे? कैसे लगा दे? क्या क्या लगा देता? अली डी हटा दो, हटा दिया। अगला रस्मों और रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने के लिए, रस्मों रिवाजों और प्रथाओं को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। दूसरे टेंस का प्रयोग करने का मतलब गलती है, हिंदी का कोई जरूरत नहीं, अपने आप पकड़ा है, हम क्या दूसरी गलती बोला? देखो फिर से बोल रहे हैं, रस्मों रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग, हम क्या दूसरी गलती बोल रहे हैं? हिंदू गर्ल्स हैव टाइड राखी टू डियर ब्रदर्स, सही है, क्या होना चाहिए? टाइड, गर्ल्स बोले थे टाइड, अब गर्ल बोलते हैं तो टाइड हो जाता, लेकिन हैव तो नहीं लगता क्योंकि रस्म है, रिवाज है, पता है। दूसरा एग्जाम्पल बताते रहे तुम, अब हम एग्जाम्पल बताते रहे। मुस्लिम्स आर सेलिब्रेटिंग डियर फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू मून, सही है, क्या होगा? सेलिब्रेट होंगे क्योंकि रस्म रिवाज या प्रथा को दर्शाने के लिए कौन सा टेंस लगेगा? कौन सा टेंस नहीं लगेगा? शेष इकारा नहीं लगेगा। नोट करो, रस्मों रिवाजों तथा प्रथाओं को, रस्मों रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने के लिए किसी टेंस का प्रयोग हो, किसी टेंस का प्रयोग हो, जैसे गर्ल्स टाई राखी टू डियर THEIR डियर ब्रदर्स, फुल स्टॉप करो, एक सेकंड रुक जाओ। तुम लोग किसी का न्यूज पेपर है क्या? न्यूज पेपर है किसी के पास? तो सब नहीं निकाल, एक आदमी निकालेगा हो जाएगा, मैं जल्दी निकाल दूँ। बस सुनो मेरे बात, समझो बढ़िया। ताजी घटना मतलब एक दो दिन पुराना घटना हिंदी में भूतकाल में बोला जाता है, किसमें? भूतकाल। और कहीं अनुवाद के चक्कर में पड़ेगा तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। नमूना करके देखो क्या बोल रहा है। योगी ने घोषणा किया, या जब एकदम हल्का बात बताते रहे, योगी ने मुकेश साहनी को रोक दिया, दिया बोला है तुम ताहे दिए नहीं बोला है, मन करेगा पास्ट इंडेफिनिट लगाने का और लगेगा मन कि योगी स्टॉप्ड मुकेश साहनी एट द एयरपोर्ट। ये ग्रामर क्या बोल रहा है? ताजी घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाए तो हिंदी के भाषण कैसे मार खा जाएंगे हम, क्योंकि तो यहाँ ये लगा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, भारत सरकार ने DA बढ़ोतरी की घोषणा की, घोषणा की, हिंदी बोलोगे अंग्रेजी क्या हो जाएगा मालूम है?
इंडिया गवर्नमेंट अनाउंस्ड, जो ग्रामर गलती बोल रहा है, ग्रामर बोला ताजी घटना मतलब एक दो दिन पुरानी घटना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, कैसे स्लिप पेपर मांगे थे आपके जो होते थे पर देख ला बोल देंगे हम तुमको मुझे करना बात में जाके मेरा बात तो भरोसा कर सकते हो मैं टीचर सिर्फ कम भरोसा करना है सब टीचर दे रहा होता है पेज नंबर 9 में देख लेना पेज नंबर 9 में सबसे नीचे न्यूज है सबसे नीचे बाएं से दूसरा अब पढ़ दे रहा है गवर्नमेंट अपोजेज इंक्लूजन ऑफ जजेस लायर्स इन बाइसीन पॉलिटी ग्रुप मतलब गवर्नमेंट ने इस बात से कहा कि नहीं हम जज या वकील को बाइसेशन प्रोग्राम में घुसने नहीं दे ठीक है तो ये बदलाव गवर्नमेंट ने अपोज किया है समाचार छपने के बाद कि समाचार छपने के पहले बाद में समाचार छपा है तो इसका मतलब है जो घटना है वो भूतकाल का है अगर हिंदी में छपा होता तो क्या होता सरकार ने विरोध किया और फिर अंग्रेजी तुम क्या बना देता अपोज्ड करता ना और यहाँ क्या लिखा हुआ अपोजेड क्या कि भारत सरकार एगो है अपोजेड रहता तो अपोज हो जाता अगला देख लेते हैं पेज नंबर है 4 सबसे ऊपर पेज नंबर 4 में सबसे ऊपर है बीजेपी और जेजेपी एक पार्टी का नाम लीडर्स बीजेपी जेजेपी लीडर्स फेस फेस फार्मर्स आयर का मतलब क्रोध इन हरियाणा मतलब बीजेपी और जेजेपी के नेता लोग ने जो है वो पेश कर रहे हैं पेश किया क्रोध को जनता के क्रोध को किसानों के क्रोध को तो क्रोध को पेश करने के बाद छपा है पेपर कि पहले छपा है बाद छपा होगा पहले छपा ऐसे एक लड़का मैं पहले विदाई कर लिया था शादी की कहे भाई बोले गांव में रहेगी तो हमारा डर लगता है वो कहे बोला डर कहे लगता है या लड़की देखने के लिए ऐसा लड़का ठीक है वो किसी प्रकार से कुछ बोल दिया होगा तो लड़की बोल देगी ज्यादा घमंड मत कीजिए आपसे अच्छे अच्छे हमारे गांव वाले भैया पहले विदाई करवा लो तो शादी में सही बोलो हमारे अनुसार लगता है कि पहले किसान का गुस्सा खेल लिया है तो पेपर में आया है तो अगर ये हिंदी में होता तो क्या होता झेला फिर तुम अंग्रेजी बनाता हो जाता पेस्ट लेकिन लिखा हुआ पेस्ट क्या साबित हुआ कि ताजी घटना ताजी मतलब चार साल पहले वाला नहीं ताजी घटना एक दो दिन की भी मान सकते हो घटनाओं को किस में रखा जाएगा हिंदी अगर एग्जाम में होता तो खतरनाक बन जाता हमारा मन करता पेस्ट लिखने का तुम्हें लिखा रहता ताजी घटनाओं को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग होता है जैसे इंडियन आर्चर्स ARCHERS इंडियन आर्चर्स लूज LOS की लूज द चांस लूज द चांस इसका हिंदी क्या होगा लूज करते हैं समझो अंग्रेजी में एक शब्द है यूनिवर्सल ट्रुथ क्या नाम है
इसका हिंदी है शाश्वत सत्य। क्या है शाश्वत सत्य? मतलब नहीं मालूम है, जान लो शाश्वत है मेरे दोस्तों। शाश्वत का मतलब होता है अपरिवर्तनीय। क्या होता है अपरिवर्तनीय? सत्य का मतलब तुम जानते हो गे, यानी जिसे बदला नहीं जा सकता। शाश्वत और सत्य का मतलब तो आप परिवर्तनीय सत्य, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, कहलाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। शाश्वत सत्य वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नमूना के रूप में। सोचो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो विकल्प दे रहे दो में से चुन के बतलाना। सूर्य पूरब में उगेगा के पूरब में उगता था, क्या हो उगेगा बोलोगे तो भी अनर्थ, इसका मतलब अभी पश्चिम उग रहा है, अब उगता था का मतलब बदल गया है। तो अब जरा सोचो पेट्रोल के बाद रहा, तुम्हारे दादा के दादाजी क्या बोलते थे, सूरज पूरब में उगता है उगता था कि उगेगा? उनका लड़का क्या बोलते हो? उगता है। फिर तुम्हारे बाबूजी क्या बोलते हैं? तुम क्या बोलते हो? उगता है। और हम लोग से 1,00,000 साल बाद पब्लिक क्या बोलेगा? उगता है। कोई परिवर्तन नहीं, बहुत सा प्रयोग हुआ नहीं, परिवर्तन हो ही नहीं सकता। वो सदा के भांति होता रहेगा, और जो सदा के भांति होता रहेगा वो आदत बन जाएगा, और जो आदत रहेगा यूनिवर्सल पुरुष को भी, यूनिवर्सल पुरुष को भी, वो भी इसी टेंस में रखा जाता है, इसी टेंस में रखा जाता है। जैसे जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। लिख दिया, अगला सुन। लेखक की बातों को दोहराने के लिए हिंदी वाला भूतकाल का प्रयोग करता है, जो गलत तो हो सकता है किसी अनुवाद कर दो, गलती हो जाए। गलती का है बताते हैं, पहले एग्जाम्पल बताते हैं। तुम लोग कहते हो श्री रामचंद्र कह गए सिया, कह गए, उसका एग्जाम्पल गीता से ले लो। कहते हो श्री कृष्ण ने गीता में कहा जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, कहा, जो गलत नैतिकता पूर्वक भी धार्मिक दृष्टिकोण से भी और ग्रामर में भी। क्या है? क्योंकि तुमने कहा, हम पढ़ाने के समझा रहे हैं अन्यथा पत्र, तुमने कहा कि श्री रामचंद्र कह गए सिया, इसका मतलब है कि अब रामचंद्र नहीं कह रहे हैं, कहना बंद कर दिए हैं। तो याद रहे बड़े लोग मरते नहीं, हम लोगों से पर्दा कर लेते हैं, मतलब हम लोग दिखते नहीं, ओझल हो जाते हैं, रहते हैं इसी संसार, उनका नजर भी हम लोग पर रहता है, हम लोग का नजर नहीं पड़ पाता है। बड़े कभी मरते नहीं, बड़े अपने कर्मों का अपने आप को अमर कर जाते हैं। तो अगर तुम कह रहे हो रामचंद्र कह गए सिया से, तो हमको ये समझ में आ रहा है, अगर तुम समझ सही बात समझ रहे हैं, लेकिन तुम हमको ये समझाना चाह रहे हो कि रामचंद्र कह गए सिया से, अब या तो रामचंद्र का डेथ हो गया है या हड़ताल पर चले गए। समझ जा रहा है मेरे पास, या फिर ये समझ जा रहा है, इनको बोला नेता मत लेना कि रामचंद्र कह गए सिया से, अब तो श्री देवी से कह रहे हैं। नहीं, हकीकत है रामचंद्र सिया से कहते हैं, पहले भी आज भी बाद में भी, बस आजकल हिंदुओं के घर में रामायण पुल कहा रहा है, खुलेगा तो राम जी कहते वो नजर आएंगे, खुले तब ना राम का जब काम, राम तो रामायण में अमर, कृष्ण गीता में अमर है, मरने वाला थोड़ा है, अमर है, आज खोलो आज मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो नोट गिनने का फुर्सत का है ना, सुनता है ना दुखते हैं। तो अब बताओ क्या कहना सही रहेगा, रामचंद्र सिया से कहते हैं कि कह गए, कृष्ण ने गीता में कहा कि आज भी गीता में कहते हैं? अगर बोलोगे गीता में कहा तो इसका मतलब आजकल बाइबल में कह रहे होंगे। नहीं, आज भी वो गीता में ही कहते हैं, तुम नहीं रहा किताब, तो क्या कहना उचित क्या रहे? लेकिन ये भी हिंदी में ना रहेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या होना चाहिए, जैसे आज भी बाबा जी लोग इसको प्रयोग करते हैं। बाबा जी लोग कैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा बराबर जाते हैं, तुम्हें बताया कि हमारा माहौल ही तुम्हारे माहौल में पैदा हुए बढ़े, तो लगभग डेली सत्यनारायण भगवान की पूजा में जाते थे। तो हम लोग क्या बढ़िया है, यहाँ तो पटना वाला प्रदूष है, वहाँ भोजन की व्यवस्था मिला था, यहाँ नहीं भोजन व्यवस्था रहता है, यहाँ तो प्रसादों में आफत है, शकरकंद देगा चीनी ना देगा। लेकिन हम लोग यहाँ मतलब समझो कि जब सक आबादी है तुम लोग का, हम लोग बाबू जी अकेले पुरुष अकेले थे,
तो लगभग मौसम जब आता था तो 150 दिन खाना नहीं बनेगा लगभग का दावत है। जो भी हो ये बता रहे ग्रामर सीखा क्या थी सीखे भी वहां। तो बाबा जी ऐसे बोलते जब कभी कभी रामायण का बात होता था तब कहते थे दशरथ राम को बर्बाद दे देते, दे दिया नहीं बोले दे देते, और राम जी बर्बाद को निकल पड़ते, सीता भी साथ हो लेती, भरत जी और राम जी का खड़ौन सिंहासन पर रख कर शासन करते रहते। नहीं बोला बाबा जी किया, सीता भी साथ में लग गई ना बोले लगती है का है मालूम है वो कभी कट नहीं सकता है, वो सदा ही संतुत रहेगा। तो कटे तो असल अब तुम बोलोगे देश कैसे कर गया, सुने के राम जी देश किए हैं देश नहीं किए सुसाइड किए हैं मालूम है हमें नाम भी पढ़ा है देखे होगे। तो वास्तव में उसको बहाना चाहिए क्योंकि वही मानव रूप में जन्म है, ईश्वर तो है नहीं कि अजन्म हो जाएंगे, तो पर्दा करना क्योंकि दोबारा में तो आना है, दोबारा पुनर्जन्म उनको होना है, तो जो मरेगा नहीं पुनर्जन्म कैसे होगा, उनको पर्दा करना है। फिर जब कभी पाप बढ़ेगा तो आएंगे, जैसे अभी तो बहुत ज्यादा पाप पढ़ा हुआ अभी तो आना चाहिए कि नहीं पाप पढ़ा हुआ है, जब झूठ मचा हुआ है कोविड के नाम पे कहीं गैस नहीं कुछ नहीं है, बोला झूठा कितना बड़का हुआ है, बोलो ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं रोकते कमी की कारण इससे बड़ा झूठ मतलब हो ही नहीं सकता दुनिया में। अब क्या बोला जाए, हमारा राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, बोला 5 करोड़ में 3-5 लाख में 3 लाख हम देकर टैक्स ले, और जब राष्ट्रपति को टैक्स लगभग नहीं करना है अब बदला अभी तो सही में राम जी का जरूरत अभी आना चाहिए किसी चीज अल्लाह में धनुष को मार मार अभी धनुष का सही काम, उस समय एक रावण अभी कम से कम 550 रावण है सब दिल्ली में किसी पार्टी का रहे, अब फूकों से निकलता था धनुष एक बार 500 निकलता होगा 50 में सब काम हो जाए। तो अब बोलो राम जी का आने का आशा है ना, तो मतलब मरे नहीं है ठीक है। अब बता क्या करे, राम वेंट टू बी जंगल की गोज टू जंगल लेखक की बातों को दोहराने के लिए, लेखक की बातों को दोहराने के लिए इसी टेंस का प्रयोग होगा, इसी टेंस का प्रयोग होगा। जैसे जैसे वाल्मीकि सेज इन द रामायण, सेज इन द रामायण फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखवा रहे कारण तुमसे पूछे, लिखिए पॉइंट कारण आपसे पूछा जाए, ऑलवेज ऑलवेज कॉमा ऑफन ऑफन कॉमा नेवर NEVER कॉमा सेल्डम सेल्डम कॉमा जनरली जनरली कॉमा एवरी डे कॉमा एवरी नाइट ETC शब्दों के साथ, ETC शब्दों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम को मेरी ओर देखो, मेरा तुमसे पूछेगा ऑलवेज के साथ, ऑफन के साथ, नेवर के साथ, सेल्डम के साथ, जनरली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। कारण तुम बतला, ये सारे शब्द आदत को दर्शाते हैं, आदत को भोतक है, और आदत के लिए केवल एक व्यवस्था है तुम्हारे पास लेकिन के साथ रिजर्वेशन रहेगा किसका, नहीं हुआ तो होगा लोकोचन इलाहाबाद बैंक का। आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिटिंग Visiting oblique our branches to oblique discuss their problems, discuss their 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 problems oblique with our staffs
स्टाफ्स फुल स्टॉप बोलो विजिटिंग उससे पहले भी गलती है कहीं पर कहा आर नहीं रहे आर भी नहीं रहेगा आई एन जी नहीं रहेगा तो बोलो क्या रहेगा केस लगेगा क्या नहीं, नहीं लगेगा अगला पार्ट का नंबर अब फिर तुमको अपने गलती का एहसास होगा समझो तुमको बचपन से पढ़ाया गया कि जिस वाक्य में चाहे तीहे तेहे लगा रहेगा उसे पॉजिटिव फिट रखेंगे ऐसे बनाएंगे जैसे बताया तुमको अब दूसरा पढ़ाया गया कि जिस वाक्य में दा गे घी लगा रहे उसे फ्यूचर इंडिफिनिट कहेंगे बनेगा सहली अब से याद आया गलती बोलेंगे बोलता गलती बोल पटेतंत्र किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं बोला गया था ना अब देखो अनर्थ क्या हो ग्रामर क्या बोलता है तुम्हारे पास हिंदी में भविष्य को दर्शाने के लिए केवल एक व्यवस्था है गागे भविष्य को दर्शाने के लिए केवल गागे नमूने तीन नमूना दे रहे मोदी जी पटना आएंगे गागेगी मैं परसों पढ़ाऊंगा गागेगी लगता है भारत मैच जीतेगा गागेगी केवल एक व्यवस्था है तुम्हारे पास भविष्य की बात करने के लिए अंग्रेजी के पास तीन व्यवस्था है अब तो अपनी हिंदी में कमजोरी अंग्रेजी का झेलेगा अंग्रेजी वाला कह रहा है कि भविष्य के लिए हमारे पास तीन व्यवस्था कैसे समझ अगर भविष्य में कोई काम 99% होना निश्चित है 100% इसलिए बोले ऊपर से भगवान के कैंसिल ना करते 99% जो काम भविष्य में होना निश्चित है वो प्रेजेंट इंडिफिनिबल है हिंदी में गागे की रहे उससे कोई मतलब नहीं हिंदी में अंग्रेजी वाला गागे जागर नहीं करता है उसी में जानता निश्चितता कितना 99% प्रेजेंट इंडिफिनिबल जैसे मोदी जी अगर पटना आना चाहे तो 15 दिन पहले प्रोग्राम बन जाएगा तो अब बताओ उनका पटना का प्रोग्राम बन गया तो कितना परसेंट उम्मीद है कैंसिल होने का जवाब सुनो ठीक है बड़ा कम जानते हो तुम लोग अब तक उन्होंने 3,357 यात्राएं कर लिया ठीक है क्योंकि पूरा जन्म ही मिटा लिया बोला जितना भी यात्रा करना है कर लिया अभी गुजरात से बाहर निकल रहे थे तो दुनिया कोई एरिया नहीं है जहां नहीं गए ठीक है बल्कि एक बार पायलट से पूछे भी कि कहां नहीं गए हो तब कहां नहीं गए हो बोले के जगह बस गया हो क्या चले गए उसमें से केवल दो यात्रा कैंसिल हुआ हुई कोविड के कारण केवल दो यात्रा कैंसिल हुआ सोच लो ठीक है तो अब मतलब कितना परसेंट यात्रा रहा सफल रहा 99.99% तो अब बतलाओ क्या लगेगा सेलविल परसेंट इंडिफिट लगेगा और होगा मोदी हिंदी रहेगा गागेगी मोदी पटना आएंगे तो हिंदी में रहेगा गागेगी अंग्रेजी में रहेगा मोदी विजिट पटना विजिट यही वजह है तो देखना न्यूज पेपर में 26 जनवरी में हम लोग बाहर से गेट लाते हैं ठीक है और जो गेट का प्रोटोकॉल है कि आपको 30 दिन पहले लेकर भेजना है और उसको 15 दिन में जवाब देना है कि आएंगे कि नहीं आएंगे सर अमेरिका वाला नहीं आया था दूसरे को बुलाया गया नहीं आया था दूसरे को बुलाया गया है तो जवाब दे दिया तो जवाब दे दिया तो 15 दिन पहले जवाब दिया तो न्यूज में आ गया कि फलना बाबू आएंगे अंग्रेजी में छपा 15 दिन पहले का कि फलना बाबू प्रिसाइड्स द इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम या फिर 26 डे प्रोग्राम क्या लिखा गया प्रिसाइज क्योंकि भविष्य का बात है हिंदी में क्या निकला होगा अध्यक्षता करेंगे अध्यक्षता करेंगे लेकिन लगाएगा कौन चीज प्रिसाइज क्योंकि भविष्य में होने वाले काम जो 99% निश्चित है प्रेजेंट इंडिफिनिट पर है आप बोलोगे सैलरी कब लगेगा जो काम भविष्य में होना 75% निश्चित है और 25% अनिश्चित है वो रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट लेकिन मोदी जी के तरह निश्चित नहीं बोले क्यों क्योंकि हम पढ़ाते हैं तुमको तुमसे इनकम भी ज्यादा है लेकिन हमको गर्व है अपने नौकरी तो पहले हम प्राथमिकता लेकर नौकरी पे अगर कहीं बुलावा गया क्या पाइए ड्यूटी कीजिए ऐसे जनरली नहीं होता है वो जाना पड़ेगा जैसे देखो अभी लॉकडाउन में तुम्हारा काम कुछ दिन के लिए बंद था लॉकडाउन ही बनता क्योंकि बुलावा आ गया से किसी का हमारे मंत्रालय ज्वाइन करने जा रहे हैं भाई तो भाई हम लोग नौकर आदमी जो बोलिए करेंगे जब डिग्री करना है जाना पड़ा तो देखिए वहां जाने
स्कोप बनता है, चल गए। जब हम बोल अभी माल बोल के तुम जा रहे हैं कि हम परसों पढ़ाएंगे, तो हमसे मोदी जी वाला उम्मीद मत रखना 99.9%। छोटा मोटा आदमी गरीब आदमी, हम नौकरी को देखेंगे, अपना परिवार से कुछ काम पड़ जाए, परिवार को देखेंगे, छठ में तुम्हारा काम आया। अब बता कि हमारा परसों क्लास लेना यानी भविष्य में कभी वादा निभाने में कितना परसेंट निश्चित होता है, तो हम प्रयोग करेंगे सैलरी, मोदी जी प्रयोग नहीं करेंगे, उनका काम तो 99% निश्चित। ठीक है, अब और नीचे आ जाओ, अगर किसी काम की निश्चितता या अनिश्चितता बराबर बराबर हो, 50-50 हो, तब दोनों में से कोई टेस्ट ना लगेगा, लगेगा परसेंट इंपरफेक्ट जो उसके बाद वाला है। जैसे हिंदी वही रहेगा, देखो दोनों के तीनों का हिंदी, मोदी की पटना आएंगे सर परसों पढ़ाएंगे, दोनों परसों बोलते रहे, मोदी की परसों पटना आएंगे सर परसों पढ़ाएंगे, और लगता है परसों भारत मैच जीतेगा। तो अब बताओ क्रिकेट का मैच चल रहा है, भारत के जीतने का संभावना कितना परसेंट लग रहा है? 50%, क्योंकि कभी कभी अंतिम बॉल पर हम लोग जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, बांग्लादेश से हार जाते हैं। तो हम लोग लाइन में नहीं बोल सकते, भाई भाई नहीं बोल सकते, लेकिन 50% बोला जा सकता है, लगता है भारत में जीतेगा। इसमें भी गागे की है, मोदी जी में भी गागे की था, मेरे में भी गागे की है, लेकिन तीनों में अंग्रेजों में अलग व्यवस्था क्या, लेकिन तुम्हारे पास केवल व्यवस्था था गागे की। उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें लगेगा इंडिया इज विनिंग द मैच टुडे, इंडिया टुमारो, इंडिया इज विनिंग, आई से टीच यू और मोदी विजिट्स। अब बतला अब इसकी बातों को दर्शाने के लिए हमेशा को नहीं, लेकिन प्रतिनिधि का प्रयोग होगा कि नहीं, तब होगा। तो खोजोगे ताहे ती है, या अगर अंग्रेजी लिखा रहेगा बोलेगा अनुवाद तो कर दोगे ताहे ती है, लिखा रहेगा मोदी विजिट्स पटना और 15 अगस्त। तुम हिंदी कैसे बनाएगा मालूम है? मोदी 15 अगस्त को पटना आते हैं, है ना, होगा गलत हो जाएगा, होगा आएंगे, हालांकि 15 अगस्त को नहीं आएंगे। भविष्य में होने वाला काम, भविष्य में होने वाला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब रहेगा जब उसके होने की संभावना, जब उसके होने की संभावना 99% हो, 99% हो। जैसे मोदी विजिट्स उत्तर प्रदेश वेरी सून। क्लियर? अगला पॉइंट का नंबर दो, उससे भी कठिन पॉइंट होगी, कठिन और बहुत इंपॉर्टेंट, परंतु को पूरा ग्रामर का बात अंदर, ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड टेंस। ठीक है, और टाइम एंड टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप डील कर रहे हैं, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट हो। हिंदी के एक वाक्य में दो बार गागेगी हो सकता है, हिंदी के एक वाक्य में दो बार गागेगी हो सकता है। जैसे तुम लोग का जो छूट गया है क्लास, उसको याद रखना, लॉकडाउन के बाद पढ़ाया जाएगा, अनलॉकडाउन के बाद पढ़ाया जाएगा, छूटा तो कंप्लीट करवाया जाएगा। अब तुम क्या बोलोगे? जब अनलॉकडाउन होगा तुम्हारा छूटा हुआ क्लास कवर किया जाए, दो बार गागेगी बोले तो तुमको मन करेगा, जैसे बचपन से पढ़ाया गया जब गागेगी सेल बिल छापना है, तो दो बार लगा दोगे सेल बिल, दो बार गागेगी आ सकता है, लेकिन दो बार सेल बिल नहीं आ सकता है एक बार। जैसे जब तुम आओगे मैं पढ़ाऊंगा, दो बार गागेगी बोले हैं, ब्राह्मण करेगा दो बार सेल, हम दिखलिए है गुरु जी कहलखिन है, सब समाप्त हो जाए। एक बार में दो बार गागेगी हो सकता है, लेकिन दो बार सेल बिल नहीं हो सकता। तो इलाज एक बार सेल बिल और एक बार लगेगा परसेंट की डिफरेंट। अब तुम अनुवाद करोगे तो प्रतिनिधि अनुवाद करोगे ताहे पिए हैं, तो तुम बोलो जब हम आते हैं सर पढ़ाएंगे, या सर पढ़ाते हैं जब हम आएंगे, नहीं हिंदी तो ही रहे, जब हम आएंगे सर पढ़ाएंगे, लेकिन दो बार गागेगी के लिए दो बार सेल बिल नहीं लगेगा, एक बार लगेगा सेल बिल और एक बार लगेगा परसेंट डिफरेंट। अब प्रश्न ये है कि सेल बिल कहाँ लगाएंगे, परसेंट डिफरेंट कहाँ लगाएंगे, उसका जवाब है अंग्रेजी के पास। पहले ये समझ लो, पहले फार्मूला कि एक बात में दो बार गागेगी तो हो सकता है, लेकिन दो बार वो एक बार सेल बिल लगेगा और एक बार, तो पहले कुछ लगेगा परसेंट डिफरेंट के पहले सेल बिल, ना पहले ना दूसरा, बल्कि जब कभी दो बार गागेगी रहेगा, यानी जब कभी दो बार सेल बिल लगने का आशंका होगा, लगेगा कभी नहीं, डर
बोलबाल लग जाए तो बात के किसी ना किसी अंश में, मेरी ओर देखो, बात के किसी ना किसी अंश में बाट वाट एवर वेन वेन एवर वेयर वेयर एवर एज सून एज एज लॉन्ग एज टिल अंटिल इफ अनलेस आफ्टर या बिफोर अवश्य लगे। जब कभी दो बार गागेगी हिंदी में रहेगा, जब भी कभी दो बार सेल्फ में लगने की आशंका होगी, लगेगा नहीं, लगने की आशंका होगी तो दोनों वाक में से किसी न किसी वाक में ये सब जरूर रहेगा, समझ पाएंगे भी वाट वाटे बहुत आदि किस अंश में रहेगा, उस अंश में सेल्फ विल नहीं लगेगा क्योंकि उनको सेल्फ विल से एलर्जी है। तो सेल्फ विल का विकल्प कौन बनेगा? प्रेजेंट विल बनेगा। तो लगे हिंदी ताहे थी नहीं, लगे हिंदी वही गागेगी है। तुम्हारे बीच का एग्जाम्पल बता रहे, मेरी किताबी बात कर रहे थे, सनी देओल का नाम सुने हो, धर्मेंद्र का लड़का का, सनी देओल के पहला फिल्म के पहला सॉन्ग का पहला लाइन इस प्रकार से था, पहला फिल्म का पहला लाइन का पहला सॉन्ग, जब हम जवा होंगे जाने कहां होंगे, दो बार गागेगी बोला है। अभी अभी ना पढ़ाते या अभी से पहले तुम दो बार सही में लगा देते आग बंद करके, हम पढ़ा लिए हैं, फॉलो अप कर जाता है। तो अब सवाल है कहां नहीं लगेगा, क्या बोला, जब हम जवा होंगे, जब जब कंग्रेजी है वैन, वैन के साथ लगा देंगे, परसेंट रिपीट शेष बचेगा लगा देंगे, पर फिर इंग्लिश सेल बिल, इसका मतलब है कि पहला में लगेगा परसेंट रिपीट, अगर ऐसा रहा तो कि हम तुमको डांटेंगे यदि लेट आओगे, अबरी कहां लगेगा बता, सेकंड वाले में, यदि इफ वाले में लगेगा, समझ आया बात। तो हम पहला द्वितीय के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, चक्कर में पड़ेंगे ये सब कहां पर है, जिसमें है उसमें सेल बिल नहीं चलेगा, लगेगा परसेंट डिफिनेट, लेकिन अर्थ वही निकलेगा जो हम चाहेंगे, मतलब जो हम मत हम नहीं, जो हम लोग चाहेंगे। और एक वाक्य में दो बार सेल या बिल नहीं लगे, दो बार सेल या बिल नहीं लगे, पूर्ण विराम, एक बार सेल या बिल लगेगा, एक बार सेल या बिल लगेगा तथा एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट, तथा एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट, पूर्ण विराम, वाक्य के जिस अंश में, वाक्य के जिस अंश में वाट वाट एवर वेयर वेयर एवर वेन वेन एवर हु एवर वेन वेन एवर वेयर वेयर एवर हु एवर as soon as till until if unless after before आदि लगाओ, आफ्टर बिफोर आदि लगा हो, उस अंश में सेल या बिल, उस अंश में सेल या बिल नहीं लगे, सेल या बिल नहीं लगे, बल्कि उस अंश में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो। कैनरा बैंक का क्वेश्चन, एज सून एज आई शैल ऑब्लिक रीच पटना I shall oblique send you the book oblique you have asked
क्या कह रहा है, हिंदी में क्या कर, अंग्रेजी क्या हो गया। पर जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा तुम्हें वो किताब दे दूंगा जो तुम मांगे हो, ठीक है। जैसे मैं पहुंचूंगा वैसे ही दे दूंगा। दो बार गांधीजी बोले हो, दो बार सेल बिल भी लगा हुआ है, लेकिन ये अंग्रेजी के अंदर उचित नहीं। अब बोलो कहां पे गलती, सेल में गलती है। सेल हटा दो, अपने आप हो जाएगा रीच पर देने के लिए। हटा दिया मैं जोर देखो अगला पटना। एक होता है तुम लोगों का टेम्पोररी एड्रेस जो बदलता रहता है बराबर, और एक परमानेंट एड्रेस जो कभी नहीं बदले। जैसे मान लो तुम बाहर से गांव में रिश्ता नहीं, गांव से आके बिहार, बाहर से आके पटना में पढ़ रहा है, आज बढ़िया डेरा मिलेगा छोड़ के सब चला जाएगा, लेकिन परमानेंट एड्रेस तुम्हारा कभी नहीं बदलाया जाए तो अमरीका सिर्फ कहे नहीं हो जाए। सुनो हम लोग गलत करते हैं कि चावला भारत की थी, अमरीका में रही, मरी अमरीका में, लेकिन उसका परमानेंट एड्रेस क्या था, भारत। वो कभी नहीं बदला, जन्म स्थल कहीं और उठा दोबारा था, जब उसके बाद पढ़ी कहीं, शादी कहीं और हुआ, मृत्यु कहीं अंतरिक्ष में हुआ, लेकिन एड्रेस नहीं बदला। क्या हुआ, सी बिलोंग्स टू इंडिया। तो अपने बारे में सोचो, पटना में रह रहे हो, नौकरी हो सकता है दिल्ली में करो, ये बात कहीं और हो सकता है, लेकिन क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू पटना, वही परमानेंट एड्रेस है। क्यों रहेगा परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट डिफिनिट में, क्योंकि परमानेंट एड्रेस भी यूनिवर्सल ट्रुथ के तरह आप परिवर्तनशील। सुनो हो गए कि मॉरिशस के राष्ट्रपति थे जो जन्मे बिहार, तो क्या बोलेंगे हम मॉरिशस के हैं, नहीं बिहार बोलना पड़े, यार तो आते ही है, बोलना क्या है। तो मतलब परमानेंट एड्रेस कभी नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकता, हर महीने बदल सकता है, लेकिन परमानेंट एड्रेस कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलता है, किसमें रहता है, परमानेंट एड्रेस को दर्शाने के लिए भी, परमानेंट एड्रेस को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। एफसीआई का क्वेश्चन जैसे माय नेम इज राहुल पब्लिक एंड आई एम कमिंग पब्लिक फ्रॉम ए ब्यूटीफुल स्टेट ऑब्लिक इन इंडिया फुल स्टॉप। बोलो है कुछ गड़बड़, दो चीज कटेगा उसमें, कौन कौन, एम भी कटेगा, आई एन जी भी कटेगा, और कम में लग जाएगा एस, है ना, हो कम कैंसलिंग क्या होगा, तो सी ओ एम ई कर दो, कर दिया। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं परसों। क्या सर Gracias.